केंद्रीय सरकार अपनी जो अच्छी शिक्षा और सबके लिए शिक्षा के तहत दिन ब दिन शिक्षा में कहीं ना कहीं बदल लाने जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खबर जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्होंने बताया कि जो क्लास पाँचवीं और आठवीं में बोर्ड परीक्षा 2019 से शुरू होगा। तो यहाँ पे जो अमर उजाला से खबर निकल कर आया है, तो ये खबर जो दो एक दिन पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, तो उसमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि क्लास पाँचवें और आठवें जिसमें बोर्ड की एग्ज़ाम होगा और जिन सारे छात्र उन पाँचवें और आठवें क्लास में होंगे उनके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पे जो खबर है वो अमर उजाला से निकल कर आया है, तो इस बारे में हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाँचवीं और आठवीं में बोर्ड परीक्षा 2019 से जावड़ेकर। तो यह खबर जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि 2019 से क्लास पाँचवीं और आठवीं में बोर्ड जो इन छात्राओं जिन स्टूडेंट क्लास पाँचवें और आठवें में होंगे उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। सभी शिक्षकों को सभी राज्यों को भी ये इन्फॉर्मेशन 2019 से जारी कर दिया जाएगा कि सभी छात्रों को क्लास पाँचवीं और आठवीं में जो भी एग्ज़ाम देना होगा तो उनको बोर्ड के तहत में रहकर एग्ज़ाम ही देना होगा। तो यहाँ पे खबर देख सकते हैं, ये अमर उजाला ब्यूरो से निकल कर आया जो देहरादून से आया है। आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ने से आपको पूरा पूरा मालूम होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2019 से पाँचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा होगी। जुलाई माह में एक विधेयक लाया जाएगा, सभी राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को जवाबदेह बनाया जाएगा। सभी अभिभावकों को अब उनके बच्चों के प्रदर्शन के संबंध में पत्र भेजे जाएंगे। तो ये खबर आप देख सकते हैं कि 2019 से ये खबर जो क्लास पाँचवें और आठवें की क्लास में शुरू होगा, और उसके लिए जुलाई आने वाले जुलाई में एक बिल लाया जाएगा जिसमें सारे राज्य सरकारों को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि उस बारे में जो क्लास आठवीं और पाँचवीं में अपने बोर्ड का एग्ज़ाम कंपलसरी कर ले, तो उसके लिए राज्य सरकारों ने भी उसके लिए मंजूरी दे दी है। उस तो इसका जो असल मकसद है, उसका मकसद यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। तो यहाँ पे आगे चलकर ये देख सकते हैं कि इसके लिए सभी अभिभावकों को भी उसके लिए जवाबदेही देना होगा। जब भी क्लास पाँचवें में पहले तो बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद जब क्लास पाँचवें में बोर्ड का एग्ज़ाम देकर कितना एग्ज़ाम का रिजल्ट कर पाएंगे, उसके बाद जब आठवें में भी अपने क्लास टेन का एग्ज़ाम देने से पहले तो आठवें का एग्ज़ाम देना होगा, तो उसमें भी उतने कितना स्कोर किया है उसके लिए अपने अभिभावकों को भी इसके खाटगड़ा में किया जा सकते हैं। तो आगे चलकर ये देख सकते हैं कि सभी अभिभावकों को अब उनके बच्चों के प्रदर्शन के संबंध में पत्र भेजे जाएंगे। तो जिन बच्चे क्लास पाँचवें में होंगे या क्लास आठवें में होंगे, तो जब उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उनका जो रिज़ल्ट सामने आएगा, तो उनके लिए क्लास पाँचवें का जो स्टूडेंट है या क्लास आठवें का जो स्टूडेंट है उनके गार्जियन को उनके अभिभावकों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यह देखते थे उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसने की भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी निजी विश्वविद्यालयों को की गुणवत्ता की समीक्षा होगी। तो यहाँ पे और खबर है जो जिनके प्राइवेट विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनको भी उन पर भी शिकंजा कसने की संकेत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिया है। इसके पहले मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियां बताने देहरादून पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्षी गठबंधन ने ही टिकेगा। विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव के नतीजों के उन्होंने आम चुनाव से भिन्न बताया, कहा कि उपचुनाव में तो यह खबर आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि क्लास पाँचवीं और आठवीं में जब आगे सबसे पहले तो कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देना तो क्लास टेन या क्लास ट्वेल्व में रहता था, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो नहीं 2019 से शुरू होगा, सभी राज्य सरकारों को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि क्लास पाँचवें और आठवें में बोर्ड का एग्ज़ाम लागू करना होगा, और उसके लिए जो इन
जिन स्टूडेंट जिन छात्रों इन क्लास पाँचवें में होंगे तो उनको बोर्ड के एग्ज़ाम तो पहले देना होगा, उसके बाद उनका रिजल्ट जो होगा उनके अभिभावकों के पास भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके बच्चे ने ऐसा प्रिफर परफॉर्मेंस किया है तो आपको कैसा और इस बारे में कैसा सुधार लाया जाए।